देखिए आज जो ये विवेकानंद छात्र उत्थान मंच विवेकानंद मिलेनियम हाई स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है, ये समाज के लिए बहुत अहम कार्य है। प्रिंसिपल साहब के मुताबिक हर साल ये लगाते हैं, इसमें इस साल कुछ कम गतिविधियां हैं कोरोना वायरस की वजह से। अदरवाइज इसके साथ साथ बताया जाता है कि ये ऑर्गन डोनेशन कैंप भी लगाते हैं और आई का भी प्रचार होता है इस समय। बट आपको पता है जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके मुताबिक ब्लड डोनेशन की जो रिक्वायरमेंट अभी और बढ़ेगी आगे आगे, तो ब्लड देना एक बहुत अहम काम है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है विवेकानंद स्कूल और सोसाइटी का। इन्होंने ये बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया है, इससे और लोगों को भी जागरूकता आएगी। और आज कोरोना के समय में जहाँ ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अगर ऐसे लोग आगे आएंगे तो हम कोरोना से भी लड़ सकेंगे और दूसरी बीमारियों से भी लोगों को जहाँ ब्लड की ज़रूरत है वहाँ दे सकेंगे। थैंक यू। नमस्ते। आज हमने सेठ विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में विवेकानंद छात्र उत्थान मंच के अंतर्गत 11वां ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए जो है ना रोटरी ब्लड बैंक सेक्टर 37 चंडीगढ़ की टीम आई है और जो है ना लोग बढ़ चढ़ कर आज आ रहे हैं और उसमें अपने योगदान दे रहे हैं। ये हमारा हर साल का एक हमारा फीचर है विवेकानंद छात्र उत्थान मंच के माध्यम से हम मानव कल्याण शिविर लगाते हैं, जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और हमारे पूरा स्टाफ सहयोग देता है। और इस बार अभी जैसे कि बच्चे और अभी आने हुए स्कूल और रोटरी ब्लड बैंक की तरफ से फ़ोन आया था कि अभी हमारे को ज़रूरत है, तो हमने आज इसीलिए इसको संडे के दिन 5 जुलाई को इसका आयोजन किया। कितना लक्ष्य है? लक्ष्य तो हम तो जो कर देंगे उतना ही है, क्योंकि ये एक भावना है हमारी, हमारा इसमें कोई लक्ष्य नहीं हमने साधा हुआ, वरना हमारा प्रयास तो है कि हम 125 तो कम से कम जो है ना यूनिट इकट्ठे कर सकें। क्योंकि जो हमने इस बार गूगल शीट के माध्यम से हमने टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया कि हमने जितने भी रक्तदाता थे उनके पास गूगल शीट भेजी और उन्होंने उसके ऊपर भर के हमारे को अपनी टाइम दिया, क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी और कोई भी यहाँ पर आकर इंतज़ार ना करे, तो इसलिए हर किसी को हमने एक समय दिया था। तो समय को ध्यान रखते हुए 74 लोगों ने हमें उस गूगल शीट के ऊपर अपनी रिजर्वेशन करवाई थी, रजिस्ट्रेशन जो है ना उसके अंदर। और उसके अलावा हमारे साथ 5 अन्य संस्थाओं ने भी सहयोग दिया है, वह शक्ति मंच और रोटरी पिंजोर, रोटरी हिल्स, पंजाबी अरोड़ा खत्री सभा और इसी तरीके से विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी और न्यू जनरेशन क्लब सूरजपुर, तो ये 5 संस्थाओं ने भी अपना साथ में सहभागिता हमको दिखाई है। क्योंकि इन सब ने अपने पे लेवल पर एक एक तो या दो दो भी इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, पर इनके पास अभी भी कुछ ऐसे रक्तदाता थे कि जो कि रह गए थे, तो हमने उनसे कहा कि हम इकट्ठे मिलकर करते हैं। तो आज उसमें भी वो उनके सभी एसोसिएशन की तरफ से पूरा पूरा काम होता है। और आज हमने अपने स्कूल के अंदर एक शक्ति क्लब की स्थापना की है। ये शक्ति क्लब है समर्पित शहीद मेजर अनुज सूद को, कि जिन्होंने अभी हाल ही में 2 मई को जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी थी। तो उनके माता पिता दोनों ब्रिगेडियर सी के सूद और मिसेस सूद आज यहाँ पर स्कूल में आए और एक हमने कमरे के अंदर वहाँ पर उनके द्वारा जितना भी उनका कार्य किया हुआ और उनके जीवन के ऊपर जो था वो प्रदर्शित किया। और ब्रिगेडियर सी के सूद ने अपनी जो है सहमति दी है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे स्कूल को सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर पेट्रियोटिज़म बढ़े, क्योंकि आज कमी हो गई है, बच्चों को पता ही नहीं कि पेट्रियोटिज़म और नेशनलिज़म क्या होती है। तो उसके लिए हमारा ये कदम था कि हम बच्चों को उनके नाम पर जो है ये करें, और उसके लिए वो अपना 1-2 यहाँ पर अवार्ड भी स्थापित करने का हमको वादा करके गए हैं कि 1 लड़की के लिए और 1 लड़के के लिए 2 इस तरीके के अवार्ड भी जो है ना मेजर अमित सूद के नाम पर
यहाँ पर बच्चों को और समय समय पर आकर बच्चों के साथ साझा करेंगे कि क्या पेट्रियटिज्म होती है और क्या हमें अच्छा एक सिटीजन बनने के लिए करना चाहिए।